तो हम बात कर रहे हैं HTML की। जी हाँ, HTML की हमने पहली क्लासेस में बताया कि HTML क्या है, उसे क्या करते हैं, वेबसाइट में किस तरह की जरूरत है, HTML की कोडिंग कैसे शुरू करते हैं। आज हम उसी कोडिंग से आगे की तरफ जानते हैं और कुछ और नए टैग के बारे में जानेंगे और एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ नोटपैड ओपन करते हैं, क्योंकि हम पता है कि नोटपैड से हमारा चलता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि नोटपैड में जब लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा होता है HTML, यहाँ पे HTML का टैग होता है HTML। तो कुछ टैग जो है वो यूनिवर्सल है, वो आपको डालने ही पड़ेंगे। HTML के अंदर हम डालेंगे हेड, और हेड के अंदर हम डालेंगे टाइटल। अब टाइटल क्यों डालते हैं, जैसे ऊपर नोटपैड आपको दिख रहा है ना, ऐसे वेबसाइट में आपके टाइटल, कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ऊपर उसका टाइटल होता है। जैसे यहाँ देखिए मैंने विकिपीडिया खोल रखा है, तो ऊपर में आपको विकिपीडिया का दिख रहा है टाइटल, ये डेमो दिख रहा है, एक चैनल कंटेंट दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है, इनबॉक्स दिख रहा है, दिस इज द टाइटल। तो किसी भी पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल। और टाइटल हमेशा हेड के अंदर आता है, हेड से बाहर नहीं आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं जैसे मैं एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग है, तो मैं यहाँ पे एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग हमने डाल दिया। अब जब डालने के बाद हर टैग क्लोज होता है, और क्लोज करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे स्लैश बैक स्लैश और वही सेम आपको लिख देना है जैसे टाइटल हमने लिखा, और ये आपको क्लोज करना है। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर ही हर चीज़ लिखा जाता है। तो जो भी आप टैग डालेंगे वो टैग हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में होगा। अगर उससे बाहर आप लिखोगे तो सेम की सेम चीज़ आपको HTML पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ हम हेड को क्लोज करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अब जरूरी नहीं है कि टाइटल यहीं से शुरू होगा, चाहे हेड यहाँ डाला तो नीचे क्लोज होगा। आप किसी भी पैटर्न में डाल सकते हैं, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कोई ऐसा शेड्यूल नहीं होता है, क्योंकि तो एक कोड आप जो टाइप कर रहे हैं उससे नहीं, जो टैग है, जो कोड है उससे चलता है। अब मान लीजिए मैंने इस तरह से भी लिख दिया तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। बट ध्यान रखिएगा कि हेड के बीच में टाइटल टैग आएगा, टाइटल टैग के बीच में टाइटल आएगा, ये बाहर नहीं होगा। उसके बाद बॉडी, मतलब कि जब वेबसाइट के ऊपर जो देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, इससे जो लिखा हुआ है अगर ये लेके आना है तो क्या करना होगा, हमें करना होगा बॉडी टैग स्टार्ट। तो VODY बॉडी हमने कर दिया बॉडी। उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं, और हम यहाँ HTML को भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए पहले कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। HTML को हमने क्लोज कर दिया। अब बॉडी पार्ट में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे पहले ये आपको दिख रहा है आपको कि लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट सिटी देना चाहता हूँ, हमें लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट सिटी को उठाया और यहाँ डाल दिया। बट क्या है कि वहाँ बड़ा है तो यहाँ भी बड़ा चाहिए, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे हेडिंग का दे देंगे H1, क्योंकि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है H1, और साथ में H1 को क्लोज कर देंगे, क्योंकि जितना H1 के बीच में H1 टैग के बीच में जो भी होगा उसी को वो बड़ा करेगा, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को सेव करके, जैसे मैं यहाँ पे true.html हमने कर दिया और इसको सेव करते हैं, और हम साथ में इस true.html को ओपन भी कर लेते हैं ताकि आपको साथ के साथ दिखता रहेगा इसका लेआउट, दिखता रहेगा क्या चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं लार्जेस्ट सिटी दिख रहा है, लार्जेस्ट सिटी, बट विकिपीडिया में क्या था कि लार्जेस्ट सिटी था, बीच में एक लाइनिंग थी, तो लाइनिंग कैसे आएगा, तो लाइनिंग के लिए हमें br टैग लगा देते हैं, br टैग सेव करते हैं, यहाँ पे हम F5. तो VR टैग, तो लाइनिंग के लिए हम VR टैग लेते हैं। अब ये इससे नीचे जो भी लिखेंगे वो लाइन के नीचे आएगा, लेकिन ये जो इस तरह का लाइन नहीं है, इस तरह के लाइन के लिए कुछ और कोड होते हैं जो कि हम आगे क्लासेस में बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने नीचे लिखा F5, यहाँ इस पर हम F5 करेंगे, तो देखिए फ्रॉम लिखेंगे, तो बी
बी आर टैग लगाने से फायदा क्या हुआ कि इसके बीच में गैप दिख रहा है, गैप ज्यादा। अगर हम बी आर टैग ना लगाते हैं तो क्या होगा, बी आर टैग ना लगाने से क्या होगा, एफ फाइव कीजिए, इसकी गैपिंग कम होती। तो बी आर टैग इसलिए लगाया जाता है कि लाइनिंग ज्यादा। अब मैं यहाँ पे एक पी टैग लगाता हूँ, यानी कि पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग लगाने के बाद यहाँ से हम एक पैराग्राफ यहाँ से उठाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से पैराग्राफ उठा लिया और यहाँ हमने इसको डाल दिया। अब मैं एक बार इसको सेव करता हूँ और फिर इसके F5 करता हूँ, तो देखिए इस तरह का पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अंदर भी जो स्पेसेस है वो कम होता है। बी आर जब आपको ज्यादा ब्रेक लाइन करना है, आपको ज्यादा स्पेसेस देना है, तो इसका यूज किया जाता है। अब मान लीजिए कि मैं अपने बैकग्राउंड, जो पेज का जो बैकग्राउंड है, उसी को हम कलरफुल करना चाहते हैं। अभी आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, आप चाहते कोई और बैकग्राउंड हो तो जो वर्डी है वर्डी के अंदर ही स्टाइल दे सकते हैं कि स्टाइल कलर अब इसको सेव करता हूं। तो इससे क्या हुआ कि अब जो होगा आपको कोई कलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसने बॉडी का डिफॉल्ट कलर रेड कर दिया। पर आप बोल रहे ये तो हमारा ये दिया है बीजी कलर तो है नहीं, बैकग्राउंड कलर है नहीं। बैकग्राउंड कलर जो कलर का जो स्टाइल कलर है वो स्टाइल कलर हमेशा टेक्स्ट पे वर्क करता है, चाहे आप उसको बॉडी में डाल दें, चाहे किसी हेडिंग में डाल दें या किसी पैराग्राफ में डाल दें। जैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ जो है लार्जेस्ट सिटी को कलर करना था तो मैं यहाँ बॉडी से हटा दूँ, उसके लिए बीजी कलर हमें डालना होता है, बैकग्राउंड कलर डालना होता है जब हम बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए। मुझे हेडिंग में चाहिए तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे डाल दें कलर। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और अपने एचटीएमएल पेज को F5 करता हूँ तो सिर्फ हमारा एक कलर जो है हाईलाइटेड। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमें अपना जो टाइटल है उस टाइटल को अलाइन करना है, टाइटल है उस टाइटल को मुझे क्या करना है, अलाइन करना है। तो अलाइन कैसे करें, तो हमारे पास एक होता है सेंटर को, तो यहां हम H1 से पहले यहां दे देते हैं यहां पे सेंटर। तो आज एक नया कोड सीख रहे हैं सेंटर को, सेंटर को ये क्या करेगा, इसको अलाइन सेंटर कर देगा और इसको हमने क्लोज कर दिया, सेव किए। अब यहां पे हम F5 हो गया सेंटर में। तो अगर मैं इस सेंटर कोड को यहां नहीं क्लोज करता, आप मान लीजिए नीचे क्लोज कर देता तो क्या होता, आपका पूरा का पूरा पेज जो है, सॉरी पूरा का पूरा जो पेज है वो आपका सेंटर में अलाइन हो जाता इस तरह से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने एचटीएमएल के किस पार्ट को कैसे अलाइन करना है, उसी से आपका जो है यहां पर आएगा। जैसे अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस, अरे यहाँ पे हम, और जब भी कोड चेंज करेंगे तो सेव जरूर कीजिएगा, जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तब तक आपका जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, बी आर टैग सीखा। सबसे पहले आपको मैंने सिखाया बी आर टैग, बी आर टैग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी आर टैग को हम ऐसे भी लिखते हैं तो क्लोज करने का जरूरत नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सेव करते हैं और यहाँ पे इसको F5। अब इसके नीचे जो भी लिखेंगे तो वी आर टैग के अकॉर्डिंग जाएगा। तो आपने दो कोड सीख, दो टैग सीखा, सेंटर कोड एंड बी आर कोड, सेंटर कोड एंड बी आर कोड। बी आर जो होता है ब्रेक लाइन होता है और सेंटर जो है अलाइन करता है। और पैराग्राफ पी टैग तो हमने आपको बताया ही था लास्ट क्लासेज में। अब चलते आगे चलते,
अब एक एक प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ रही है, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कुछ अपने हिसाब से देना, सीरियल नंबर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 1 इंडिया, राइट। अब इंडिया के अंदर में ए, यहाँ पे ए, इंडिया के अंदर में ए, मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली, बी हम यहाँ पे करना चाहते हैं मुंबई, इस तरह से देना चाहते। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें लिखेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम F5 करते हैं ये यहाँ इस तरह से दिखेगा, वो आपके हिसाब से नहीं आएगा, तो आपको अपने हिसाब से लाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए मैंने स्लैश लगाया तो ये देखिए सिर्फ लाइन ब्रेक हो रहा है, स्पेसेस नहीं आ रही है, ए लगाने का मतलब यही होता है। अब इसको ना लगाएं, सिर्फ BR टैग लगाएं, इसके बाद F5 कीजिए या इसको F5 कीजिए, यहाँ पे तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से नहीं आया। अब इसके लिए हमारे पास TRTT का कोड होता है, मतलब बुलेट्स नंबरिंग एंड बुलेट्स का कोड होता है, लेकिन वो कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आगे क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको तत्काल चाहिए तो हमारे पास एक टैग होता है PR टैग, इसको हम लोग बोलते हैं PR टैग लगाएंगे और PR टैग के बीच में आप नोट पैड में जिस तरह से लिखेंगे आपका HTML पेज पे उसी तरह का शो करेगा। जी हाँ, PR टैग उसी तरह का शो करता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको इस तरह करना है तो आप क्या करेंगे, PR टैग लगाएंगे। PR टैग क्या करेगा कि जैसा HTML में आप लिखेंगे सेम आपको बाहर की तरफ उसी तरह से आपको शो करेगा, एक PR टैग का नाम है। तो आज आपने BR कोड, PR टैग, सेंटर, तीन कोड के बारे में सीखा और कैसे इस्तेमाल करना उसके बारे में सीखा आपने। तो बेसिकली आप जो है याद रखिएगा, इसमें एक मैं बता देता हूं क्या क्या होता है। दो टैग होता है, एक टैग नाम डाल लीजिए, ये आपका P टैग होता है पैराग्राफ के लिए, H टैग होता है H1, H2, H3 आपके हेडिंग के लिए, और एक होता है आपका DIV टैग क्या होता है, डिविजन्स कंटेंट के लिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए ना कि इस टाइम में यहाँ एक अलग टेबल बना हुआ है, ये अलग है, यहाँ इमेजेस अलग है, तो ये डिविजन टैग होता है जो कि आगे क्लास में हम सिखाएंगे। उसके बाद हमने आपको BR टैग ब्रेक लाइन के बारे में सिखाया कि ब्रेक लाइन टैग का क्या यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं अलाइन। अभी आपने लास्ट अभी जो ऊपर हमने बात की थी तो आपने सिर्फ सेंटर टैग के बारे में जाना था, सेंटर टैग के बारे में जाना था, तो क्या सेंटर तो सेंटर कर देगा लेकिन मुझे लेफ्ट राइट मीट करना हुआ तब क्या होगा। तो हमारे पास जो होता है एक अलाइन टैग होता है। जी हाँ, सेंटर के जगह पे आप अलाइन टैग दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट से या राइट से अलाइन करना, तो P टैग के अंदर ही आप दे सकते हैं कि P टैग हमने लगाया और P टैग में हमने कर दिया अलाइन, LIGN अलाइन, और अलाइन में हम यहाँ पे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ आप जो है एंटर के बगल में होता दो कोट उसके अंदर आप अपना ले सकते क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए लेफ्ट, हमने लेफ्ट कर दिया और फिर P टैग को मैं BR टैग हटा के P टैग को क्लोज कर दिया। तो अब जो होगा लेफ्ट से ये अलाइन हो जाएगा अगर मैं इसको एस करके यहाँ पे F5 करता हूँ। अभी कुछ नहीं दिखा क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में है, अगर मैं इसको लेफ्ट के जगह राइट कर दूँ RIGST राइट, सेव किया और फिर इसको हम F5 करते हैं। देखिए लेफ्ट से अलाइन हो गया, और उसी तरह से सेंटर करेंगे तो आपका सेंटर से सेंटर किया तो आपका सेंटर से हो जाएगा। तो आप जो है लेफ्ट राइट टाइप को भी यूज कर सकते हैं, सेंटर टाइप को भी यूज कर सकते हैं।
ओके। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगले लेक्चर में हम और भी बहुत सारे कोड के बारे में बात करें।